सोनीपत के गांव गसौली में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पहुंचे। इस मौके पर गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, एक परिवार में भी मतभेद होता है, वही मुद्दे को सुलझा लिया गया है। वही 134 के तहत अगर कोई गड़बड़ी की गई है तो वो किसी भी पार्टी के नेता हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, वे मुख्यमंत्री पर कोई भी आरोप नहीं है, अधिकारियों के कारण शिकायत थी, एक परिवार में भी मतभेद होता है, वहीं पार्टी में मतभेद नहीं है, मामले को बैठकर सुलझा लिया गया है। सोनीपत से जाट टीवी न्यूज के लिए राहुल सैनी की रिपोर्ट। देखिए, हरियाणा सरकार अपने आप में सक्षम है, ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश का गुंडा हरियाणा में घुस जाएगा, इसके लिए कोई हरियाणा में उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो भी गुंडागर्दी के कदम उठाए वो सारा देश उसकी तारीफ कर रहा है, और जो विश्वास वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यक्त किया है, निश्चित तौर पर उस विश्वास पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरा उतरी। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने पहले दिन शपथ लेने के बाद कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को किसानों को समर्पित सरकार है, और आप देखेंगे हरियाणा में ले लीजिए, जिन किसानों को फसल खराबे का 500 रुपये भी नहीं मिलता था उनको लाखों रुपए के चेक पिछली बार हरियाणा की सरकार ने दिए हैं। ऐसे ही कपास में जो खराबा हुआ उनके किसानों को भी 700-800 करोड़ रुपये हरियाणा की सरकार ने मुआवजा राशि के रूप में।